अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह कोरोना वायरस के खदशे के पेशे नज़र सऊदी अरब में अजान के अल्फाज तब्दील किए गए हैं और मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह की बजाय अस्सलातु फी बयूतिकुम कह रहा है, यानी नमाज अपने घर पर अदा करें। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर इस वीडियो का आना था कि इसके बारे में मिली जुली राय सामने आना शुरू हो गई। बहुत से लोग इस फैसले की हमायत करते हुए दिखाई दिए, जबकि बहुत से लोग अजान के अल्फाज तब्दील करने पर सख्त तनकीद करते हुए भी नजर आए। लेकिन हमने इस वीडियो के बारे में रिसर्च की और इस वीडियो में कितनी सदाकत है और इसके हवाले से लोगों में क्या सवालात हैं, इस वीडियो के मनाजिर कहाँ के हैं और किस बिना पर अजान के दौरान ये अल्फाज बदले गए हैं, आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप खुद ये मनाजिर मुलाहिजा कीजिए, फिर इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। इस दी जाने वाली अजान में मुअज्जिन को साफ तौर पर सुना जा सकता है कि वो हय्या अलस्सलाह की बजाय अस्सलातु फी बयूतिकुम कह रहा है, यानी नमाज अपने अपने घर पर ही अदा करें। जहां तक सवाल है कि इस अजान में और इस वीडियो में कितनी सदाकत है, तो आपको बता दें कि ये वीडियो बिल्कुल असली है और अरब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। लेकिन इस वीडियो के ये मनाजिर मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा के हरगिज नहीं है, बल्कि ये वाकया कुवैत में पेश आया था कि कोरोना वायरस के फैलने के पेशे नज़र अजान के अल्फाज में तब्दीली की गई है। मुअज्जिन को ये हदायत जारी की गई हैं कि वह हय्या अलस्सला यानी नमाज की तरफ आओ कहने की बजाय अस्सलातु फी बयूतिकुम कहे कि नमाज अपने घरों में ही अदा करें। अब इससे कबल के आप कोई राय कायम करें या कोई कॉमेंट करें, हम आपको बताते हैं कि किस बिना पर यह फैसला किया गया है, क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है या नहीं। तो ये जान लीजिए कि जहाँ तक कोरोना वायरस के खौफ से कुवैत में दी जाने वाली अजान के अल्फाज की तब्दीली का और लोगों को घरों में नमाज अदा करने के लिए कहने का ताल्लुक है, तो इसकी मिसाल हमें ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है कि जब नमाज के मामले में लचक का मुजाहिरा किया गया और लोगों के लिए आसानियां फरमाई गईं। सही बुखारी में, सनन इब्ने माजा में और सनन इब्ने दाऊद में अहादीस की तकरीबन तमाम किताबों में ये हदीस मौजूद है कि जब सख्त बारिश के बाइस लोगों का आना जाना मुश्किल था और मस्जिद में कीचड़ होने का खदशा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन बारिश और तेज हवाओं वाली सर्द रातों में ऐलान कर दिया करते थे कि अपने घरों में नमाज पढ़ लीजिए, जिसके लिए सलाफी रहालिकुम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब बहुत से लोग ये एतराज कर सकते हैं कि नमाज बाजमात की ये रुख्सत सिर्फ बारिश की वजह से ली गई थी, तो इस चीज को हमें वसी तनाजुर में देखना होगा। उलमा की ये राय है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मौज़िन को ये कहने की इजाजत किसी मुशक्कत या जरर के खौफ की वजह से दी जाती थी, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत करदा इस हदीस का मफहूम और इसका मकसद ही यही है कि जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह की सूरत हाल में, यानी हंगामी सूरत हाल में, मौज़िन का सलाफी रहालिकुम के अल्फाज कहकर लोगों को ये तलकीन किया करता था कि अपने घरों में नमाज अदा कीजिए। और आज जबकि कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा पेशे नज़र है और कुवैत में उलमा ने मौज़िन को जो हदायात दी हैं वो इसी हदीस के तनाजुर में दी गई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को सामने रखते हुए ये हदायात जारी की गई हैं, और बिलाशुबा ये हमारे दीन इस्लाम के दीन फितरत होने की और अपने ज़माने से हम आहंग होने की बहुत बड़ी निशानी है और यही इस दीन की खूबसूरती भी है। उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में जो खदशात थे वो हमारी इस वजाहत से दूर हो गए होंगे और हमारी ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।